नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच पर हाथ जोड़ के किसानों से कह रहे होंगे, आप अन्नदाता हैं, आप हमारे भगवान हैं, मेरा जीवन आपके लिए है। इस तरह के बेहतरीन डायलॉग प्रधानमंत्री जी बोल रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता किसानों के घरों पर जा रहे होंगे, उनके पैर छू रहे होंगे और कह रहे होंगे वोट हमको दीजिएगा। लेकिन देश के किसान जब अपनी बात कहने दिल्ली आते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल्ली पे पाकिस्तान की सेना ने हमला कर दिया है। किसानों के स्वागत के लिए बड़ी बड़ी कीलें गाड़ दी जाती हैं रास्तों में, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं, गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं और ड्रोन से उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। इतने निर्मम तरीके से उन पर हमले कराए जाते हैं, मान लो वो किसान नहीं होके आतंकवादी हैं। ये वो देश है जहां कहा गया जय जवान जय किसान। ना जवान की चिंता है और ना किसान की चिंता है। जवान को खत्म करने के लिए अग्नि भी ला दी गई और किसान को खत्म करने के लिए कड़े कानून लागू कर दिए गए। 600-700 किसानों ने अपनी जान दे दी। एक साल तक आंदोलन चला, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है, इसलिए मैं 3 बिल वापस ले रहा हूं। MSP लागू करने की बात की गई थी, लेकिन किसानों से जो वादे किए गए थे वो सब हवा हवाई हो गए। क्या फर्क पड़ता अगर किसान दिल्ली आ जाएंगे, प्रधानमंत्री से सरकार से अपनी बात कर लेंगे तो कोई गुनाह हो जाएगा? सरकार तो छोड़िए, कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार किसानों के लिए ऐसे लिख रहे हैं कि ये किसान अराजक हैं, ये किसान गलत हैं, ये किसान ही नहीं है, किसानों के भेष में कुछ और हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है। ये भांड टाइप के पत्रकार, ये गुलाम पत्रकार, जिनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई, ऐसे पत्रकार पहले भी किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहते रहे। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार होना चाहिए इनकी पत्रकारिता पर। ये किसान वो हैं जो अपने खून और पसीने से इस जमीन को सींचते हैं। इनका पसीना और खून जमीन में गिरता है तो फिर कहीं से आपको गेहूं के और चावल के वो दाने मिलते हैं जिनसे आप अपना जीवन काटते हैं, अपना परिवार का पेट पालते हैं। इनकी उगाई हुई फसलों से आपका, आपके परिवार का जीवन कटता है और आप इनको आतंकवादी कह रहे हैं। शर्म नहीं आती? साहेब की भक्ति में आप कुछ भी कह देंगे। साहेब अबू धाबी गए हैं, एक मंदिर बन रहा है और इतना बड़ा काम हो रहा है कि अबू धाबी में मंदिर बन गया तो भारत की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गोदी मीडिया के स्तुति करने वाले एंकर वहीं पहले ही पहुंच गए हैं। इनको किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता, इनको किसानों की परेशानी दिखाई नहीं देती। आज मैं देख रहा था, आज तक के चैनल पे कहा जा रहा था, देखिए किसान हिंसक हो रहे हैं और मजबूरी में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ रहा है, मजबूरी में पुलिस को गोले दागने पड़ रहे हैं। मतलब किसान हिंसक है और पुलिस मजबूर है, बेबस है। कैसी मानसिकता हो गई इन TV चैनलों की, क्योंकि इनके मालिक का इशारा है कि तुम्हें किसानों के खिलाफ बात करनी। क्या ये सही है? क्या ये जायज है? कुछ महीनों बाद चुनाव हो रहे हैं और मुझे लगता है कि किसानों की नाराजगी बहुत भारी पड़ेगी। राजनीति का माहौल भी अलग हो रहा है। केजरीवाल लगभग अलग हुए हैं कांग्रेस से। ममता बनर्जी पहले नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं कांग्रेस से, नीतीश कुमार अलग हो ही चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस सपा के गठबंधन की बात आगे नहीं बढ़ रही है। कांग्रेस क्यों कर रही है ऐसा? 2 महीने बाद कौन लड़ेगा चुनाव? किस तरह मोदी का मुकाबला किया जाएगा? राजनीति में ये खेल हो क्या रहा है? इन सब बातों पे बातचीत करेंगे प्रोफेसर अभय दुबे के साथ, देश के जाने माने पत्रकार जिनको आप बड़े बड़े TV चैनलों पर देखते हैं। मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ, राजनीति की बहुत गहरी समझ रखते हैं। चलते हैं सीधा प्रोफेसर अभय दुबे के पास। स्वागत है अभय जी 4PM न्यूज नेटवर्क में आपका। किसानों को अन्नदाता कहते हैं मोदी जी, भगवान कहते हैं मोदी जी, चुनाव आता है तो बिल्कुल चरणों में होते हैं। इस बार किसानों ने कहा कि दिल्ली चल के बात की जाएगी तो वो अस्त्र और शस्त्र दिखाई दे रहे हैं, कीले ऐसी ऐसी शानदार कीले उनकी राह में हैं, ऐसे बैरिकेटिंग हैं, आंसू के गोले ड्रोन से छोड़े जा रहे हैं, ऐसे मान लो पाकिस्तान ने हमला कर दिया। प्रधानमंत्री जी अबू धाबी निकल गए हैं, गोदी मीडिया इस महिमा मंडन को गाने में लगाया कि वहाँ एक मंदिर बन गया। किसान आंदोलन के लिए गोदी मीडिया कह रहा है कि किसान अराजक हो रहे हैं, किसान हिंसक हो रहे हैं और कई गोदी मीडिया के पत्रकार तो बड़ी आलोचना कर रहे हैं कि किसान क्यों दिल्ली आ रहे हैं, आम आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है।
क्या सरकार को पता नहीं था कि किसान आ रहे हैं? और पता था तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई कि वार्ता की जाए कि किसानों को हमेशा इतना दर्द सहना जरूरी है देश में? देखिए, किसानों ने तो दिसंबर में ही घोषणा कर दी थी कि वो दिल्ली मार्च करेंगे, वो फरवरी में दिल्ली मार्च करेंगे, ये घोषणा दिसंबर से है। और सरकार के पास तो तरह तरह के महकमे होते हैं, उनके पास LIU होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उनके पास IB होती है, उनके पास खुफिया संस्थाएं होती हैं अपनी जो, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है, उसके पास भी इन किसानों की गतिविधियों को लेकर खबरें होती हैं। क्योंकि एक जमाने में वो, जब वो विपक्ष में थी, भारतीय किसान भाजपा विपक्ष में थी, तो भारतीय किसान मोर्चा इन संगठनों के साथ मिलकर काम करता था और काफी अच्छा काम करता था। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी संगठनों ने, जो ग्लोबलाइजेशन, जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया मनमोहन सिंह सरकार ने चलाई थी और उससे पहले नरसिंह राव सरकार ने चलाई थी, उसका कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया। और उसमें भारतीय किसान विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ और इन सब लोग, इन सबको, स्वदेशी जागरण मंच, इन सबको जो नव उदारतावादी नीतियां थी, नई अर्थनीति जो थी, उसके खिलाफ लगाया गया, मोर्चेबंद किया गया। उस वक्त इन तमाम किसान संगठनों के साथ में ये लोग काम करते थे, क्योंकि सब किसान संगठनों की मांग थी कि भारत को WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना चाहिए। अब आज मैं डल्लेवाल साहब का वक्तव्य सुन रहा था, पहली बात तो ये, डल्लेवाल और पंधेर, ये दो नए किसान नेता हैं जो पिछले किसान आंदोलन में इनके नाम नहीं थे, इनके चेहरे सामने नहीं थे, तो डल्लेवाल साहब दोनों बड़ी सुधरी हुई बात बोल रहे थे, बड़ी अच्छी हिंदी में बोल रहे थे, बहुत बढ़िया, मतलब हम लोगों की तरह ही बोल रहे थे, लग नहीं रहा था कि वो लोग हैं, तो दोनों सिख, पधेर की उम्र थोड़ी कम है, डल्लेवाल की दाढ़ी बिल्कुल सफेद है, वो तो बुजुर्ग लग रहे थे। तो डल्लेवाल ने कहा कि भाई, जब हमने उनसे कहा, अर्जुन मुंडा से, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय से जो रात में बातचीत हुई, चंडीगढ़ में जो बातचीत चली, तो इन्होंने कहा भाई WTO से निकलने के बारे में कुछ सोचिए, तो इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि WTO से क्यों निकला यार, WTO में तो बहुत फायदा है भारत को, उसमें भारत को बहुत मुनाफा हो रहा है, ये हालत है। तो स्थिति यह है कि सरकार को अच्छी तरह पता था कि फरवरी में दिल्ली मार्च हुआ और फरवरी से मार्च में चुनाव की घोषणा होनी है, सरकार को यह भी पता था, इसलिए सरकार ने पूरी तैयारी करके रखी थी किस तरीके से किसानों को हम दिल्ली में घुसने से रोक देंगे। तो ये तैयारी तो उसने पक्की की, और इस वक्त दिल्ली के तमाम सीमाओं के ऊपर जिस किस्म की बैरिकेडिंग है, जिस किस्म की हीले लगाई गई हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है और जितनी पुलिस लगाई गई, यहां तक कि कई रास्ते तो पुलिस की गाड़ियों से रुके हुए हैं। देखिए, दिल्ली में जो ट्रैफिक है, दिल्ली में ट्रैफिक की जो समस्या है, किसानों की वजह से नहीं, किसान तो अभी दिल्ली पहुंचे ही नहीं, किसान तो अभी हरियाणा में है, राजस्थान में, दूसरी जगहों में फंसे हुए हैं, वो तो संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली में ट्रैफिक क्यों जाम है, आप जरा सोचिए इस बात के बारे में, दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की वजह से जाम। अभी मैं जब कश्मीरी गेट से कार चलाते हुए अपनी, जब गाजियाबाद में प्रवेश कर रहा था, मैं वैशाली गाजियाबाद में रहता हूँ, तो मैं बॉर्डर से गुजरा, गाजीपुर बॉर्डर से गुजरा, तो गाजीपुर बॉर्डर में इतनी ज्यादा क्रेनें, इतनी ज्यादा बसें, अर्धसैनिक बलों के वाहन, पुलिस की गाड़ियां इतनी ज्यादा थी कि उन्हीं की वजह से केवल एक छोटी सी लेन खुली हुई थी कारों के निकलने की, और सवेरे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था, भी शाम को केवल एक लेन खोल दी थी, जिसकी वजह से मेरी कार वहां से निकल पाई। सही बात है। तो हाँ, अब ये आप देखिए कि सरकार ने ये तो सोच लिया कि किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका कैसे जाए, और उसका पक्का इंतजाम किया, और करोड़ों करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गए होंगे इस इंतजाम के ऊपर अभी तक। लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा कि इसकी के लिए कोई मन नहीं बनाया कि उनके साथ समझौता वार्ता कैसे कामयाब हो। अर्जुन मुंडा का कहना यह है कि कई बातों पर सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इस वार्ता को कामयाब नहीं होने देना चाहते। ये वही बात है जो पिछले जो कृषि मंत्री थे, जो आजकल मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हो गए हैं, MLA हो गए हैं, वो MP नहीं रहे, वो कहते थे, आपको ध्यान होगा, बिल्कुल वही भाषा फिर से दोहराई जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार किसी भी किस्म की कोई मांग मानने वानने के मूड में नहीं है,
और खास तौर से एमएससी वाली मांग मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है, ना डब्ल्यूटीओ वाली मांग मानने के मूड में। हाँ, सरकार केसेस वापस लेने के, किसान नेताओं के ऊपर जो मुकदमे वगैरह थे उनको वापस लेने के बारे में कुछ पहलकदमी कर सकती है। हालांकि ये भी एक सवाल है कि अभी तक क्यों नहीं लिए वापस, 2 साल हो गए उस बात को। तो स्थिति यह है कि सरकार मन बना चुकी है कि कोई मांग वांग नहीं माननी है, कोई लिफ्ट नहीं देनी है इन किसान यूनियनों को, बस इन्हें दिल्ली में नहीं घुसने देना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस बार ये कहा जाता है कि पिछली बार 6 महीने के धरने के बाद जो दबाव बना था, इस बार हफ्ते भर में ही वो दबाव बन जाएगा और चुनाव बिल्कुल चुनाव सिर पर है। लेकिन अभय जी, सरकार का यह और कुछ सरकार के समर्थक पत्रकारों का भी कहना यह है कि क्या फर्क पड़ता है, किसानों ने पिछली बार आंदोलन किया किसान बेल्ट में, सब जगह बीजेपी जीत गई, बीजेपी के वोट मिल गए बीजेपी को, तो ये एक सरकार का मन है कि किसान कितने मूवमेंट करते रहे वोट तो मिल जाएंगे, कि ऐसा मन स्थिति है इसीलिए किसानों की बात भी नहीं सुनी जा रही है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं ये जो तर्क है, ये तर्क गलत है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था, वो तो अगर मायावती ने अपने वो मायावती के वोट भाजपा को ट्रांसफर न हुए होते तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा नुकसान होता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट समाज है उसने भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से वोट नहीं दिया जिस तरह से वो हमेशा देता था। इसी तरीके से हरियाणा में इस वक्त खासतौर से किसानों के बीच में, जाटों के बीच में भाजपा के खिलाफ बहुत जबरदस्त माहौल है। पिछले विधानसभा चुनाव में जाटों में जो बंटवारा हो गया था, इसकी वजह से अल्पमत में रहते हुए भी कुछ ऐसी स्थिति बन गई भाजपा की कि वो दुष्यंत चौटाला वगैरह की मदद से सरकार बना ले गए। इस बार जाट समाज में ज्यादा बड़ी और जबरदस्त एकता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर दिखाई देगी, तो ये कहना अनुचित है। देखिए, पंजाब में अकाली दल के साथ जो भाजपा का साथ छूटा वो किसान आंदोलन के कारण छूटा, क्या वो किसान आंदोलन की वजह से हुआ नुकसान नहीं है? अभी लोग देखिए, जो गोदी मीडिया वाले लोग जो कहते हैं ना, इनकी बातों को तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है। अगर किसान आंदोलन नहीं होता तो आज अकाली दल भाजपा के साथ में होता, लेकिन आज इतनी बड़ी पुरानी पार्टी उनके साथ नहीं है। इसी तरीके से जो दक्षिण बहुत जगहों पे बहुत सारे, हर नुकसान का मतलब ये नहीं होता कि आप चुनाव हार जाएं। ठीक बात है। नुकसान बहुत तरह के होते हैं, कुछ नुकसान तो फौरी किस्म के होते हैं जिसमें आपके वोट कम हो जाते हैं, कुछ नुकसान बहुत दूरगामी किस्म के नुकसान होते हैं। भाई मोदी जी की छवि का क्या हुआ? आपने संसद में पास किए हुए 3 कानूनों को वापस ले लिया, इससे मोदी जी की छवि में सुरखाब का पर तो लगा नहीं। सही बात है, कभी कभी नहीं झुके थे वो। हाँ, जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा ना सरकार ने किसानों को झुका दिया। भाई 1 साल तक हर तरह के किसानों ने सरकार को झुका दिया। हाँ, किसानों ने सरकार को झुका दिया। 1 साल तक हर तरह का छल करके तमाम टीवी पर फर्जी किस्म के किसान नेता बैठाए गए, उनको बताया गया ये किसानों के असली नुमाइंदे हैं। फिर जो तथाकथित निष्पक्ष पत्रकार हैं वो राष्ट्रवाद के नाम पर टीवी पर साल भर कलाबाजियां खाते रहे, लेकिन किसानों को बदनाम करते रहे, पता नहीं क्या क्या किसानों को कहा गया, उन बातों को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी अंततः तो मोदी जी को संसद में पास किए हुए कानूनों के लिए दोबारा विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा और उन कानूनों को फिर से दोबारा वापस करना पड़ा उन्हें। ये इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है? अगर मोदी जी को ऐसा ही लगता था कि वो कोई असर नहीं होता तो वो किस कानून वापस नहीं लेते, उसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का चुनाव होता उसको भी। अच्छा, जब मजे की बात है कि जब वो 3 बिल आए थे तो बड़े बड़े पत्रकार गोदी मीडिया के कह रहे थे कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है, किसानों की जिंदगी बदल दी, और जब वापस ले लिया तब भी कह रहे थे तो मास्टर स्ट्रोक है, वापस ले लिया मास्टर स्ट्रोक मारने का अधिकार और परिस्थिति केवल मोदी जी के पास होती है। हाँ, ऐसा लगता है कि केवल एक ही बल्लेबाज है हिंदुस्तान में, उसके पास बैट है और वो हमेशा जब चाहता है तो उस बैट से एक मास्टर स्ट्रोक मार देता है। हाँ, वो जो करता है वो मास्टर स्ट्रोक होता है। मोदी जी के पास एक और क्षमता है, मंत्र पढ़ने की, मंत्र देने की। टीवी पे आता है मोदी मंत्र आया, मोदी मंत्र दिया। मैं तो उसे देख रहा था कि वो जो भाषण था राज्यसभा में शुरू नहीं हुआ, उससे पहले लिख के आ रहा था एक चैनल पर 400 सीटें जिताने वाला मोदी प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक भाषण, शुरू नहीं हुआ अभी, लेकिन उनको पता था कि भाषण 400 सीटें जिता देगा। अच्छा, ये मानसिकता कहाँ से आती है पत्रकारों में, टीवी चैनल में? मैं तो इसको दो दो दोनों तरह की बातें हैं। एक तो यह है कि
सरकार की तरफ से सरकार के इस तरह के लोग हैं जो इनको एजेंडा देते हैं, ये बात सही है। दूसरे कई चैनल ऐसे हैं जिनको फीड किया जाता है, जिनको आर्थिक मदद भी मिलती है। देखिए इन चैनलों का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत कमजोर है, बहुत मुनाफा मुनाफा इन चैनलों में नहीं होता, पैसे होते हैं बहुत खर्च। तो ये नैरेटिव बनाने के लिए, माहौल बनाने का काम करते हैं सरकार का, तो सरकार भी चाहती है कि ये लगातार चलते रहें। कुछ चैनलों के पीछे पुराने बड़े मीडिया संगठन ऐसे आज तक के पीछे, मान लीजिए इंडिया टुडे है या एबीपी के पीछे आनंद बाजार पत्रिका है, इनके बारे में तो हम मान सकते हैं कि इनके पास, या जो नेटवर्क 18 है उसके पीछे रिलायंस है, एनडीटीवी के पीछे अदाणी साहब हैं, तो ये तो हैं। लेकिन इसके अलावा जो पत्रकारों द्वारा फ्लोट किए गए चैनल हैं, उन चैनलों की अगर अर्थव्यवस्था की पूरी जांच की जाए तो पता चलेगा कि इनको कहीं ना कहीं से कुछ मिलता है। अच्छा, ये पारदर्शिता क्यों नहीं होती कि भाई सरकारें दे रही हैं अगर किसी संस्थान को, तो हर चीज, जब मोदी जी कहते हैं सब कुछ पारदर्शी है, तो सरकारें ये जारी करें ना, कि सूचना विभाग हर राज्य का जारी करे कि भाई इस चैनल को इस महीने इतना रुपया, इसका मैगजीन को इतना रुपया। तो एक पाठक को, एक आदमी को पता तो चलना चाहिए कौन सा मीडिया हाउस सरकार से कितने रुपए जी, कोई पैसा सफेद धन थोड़ा दिया जाता है। अच्छा, ये कोई पैसा ऐसा थोड़ी ना है कि जो चेक से और बैंक के ड्राफ्ट से दिया जाता है, और ना ये कोई ऐसा है कि कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा हो इनके अंदर, ऐसा थोड़ी ना होता है। ब्लैक मनी होती है मीडिया हाउस, ब्लैक मनी होता है, या बड़े पूंजी, किसी पूंजीपति से कह दिया जाता है, वो मदद कर देता है। बहुत तरीके हैं मदद करने के, मतलब ये इनके धंधे भी सब ब्लैक मनी से चल रहे हैं, सब ऐसे ही चलता है। देखिए जो जो सत्ता सरकार, जो पावर सरकार में होती है, वो अपने लिए सारे पत्ते सुरक्षित रखती है। सारे ट्रंप के पत्ते उसी के पास होते हैं, ट्रंप के सारे इक्के उसके पास होते हैं, तो वो जब चाहती है, या उसके पास हर पत्ता जो होता है वो तुरप के इक्का होता है, तो वो जब चाहती तुरप के बहुत ज्यादा। देखिए जिसके पास सरकार होती है उसकी ताकत, सरकार देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसके पास हिंसा करने की संविधान सम्मत शक्ति है। वो आपका घर गिरा सकती है सरकार, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है, वो आपको जमानत ना मिले इसका बंदोबस्त कर सकती है। सरकार अगर चाहे सब कुछ कर सकती है, और सरकार अगर चाहे तो आपके ऊपर आप कुछ भी करते रहिए, आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होगी। एक सरकार बिहार में भी चल रही है, नीतीश बाबू बयान दे रहे हैं कि ये जो RGD के कारनामे, इनकी मैं जांच कराऊंगा। ये कैसा हो सकता है कि आप अभी जिसके साथ सरकार चला रहे हो कह रहे हो कि मौसी की जांच कराऊंगा, मतलब कोई मुख्यमंत्री अपने कामों की जांच कराएगा? देखिए नीतीश कुमार के बारे में तो जो भी कहा जाए वो कम है, और जो भी कहा जाए वो कहने योग्य नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ कुछ कहने से कोई मतलब ही नहीं है। नीतीश कुमार ने अपनी एक ऐसी स्थिति कर ली है कि उनकी बात ऐसी ही है जिस पर लोग ना हंस सकते हैं ना अफसोस कर सकते हैं। उनकी बात पे तो अफसोस करने का भी मन नहीं होता। अब तो जब उनकी राजनीति खत्म होगी तब हम लोग देखेंगे कि वो करते क्या है दरअसल, उस वक्त किस स्थिति में होते हैं। अब उनकी ही सरकार थी, वही मुख्यमंत्री थे और अधिकार संपन्न मुख्यमंत्री थे। भाई जब शिक्षा मंत्रालय नौकरियां बांट रहा था, जो शिक्षा मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास था, तो पोस्टरों में तेजस्वी यादव का चेहरा नहीं था, नीतीश कुमार का चेहरा था। इसका मतलब यह है कि आपके पास सारे अधिकार थे। अगर आपके देखरेख में कोई RJD वालों ने भ्रष्टाचार किया है, कोई पैसे जमा किया है, तो उसकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर भी जाती है। नेचुरली सरकार तो आपकी थी जी। अच्छा, उधर उधर इंडिया गठबंधन में भी कम तमाशा नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक सीट दूंगा दिल्ली में, मतलब अब बचा कौन? ममता भी नाराज, नीतीश चले गए, अखिलेश के संग तैनी, केजरीवाल भी अलग अलग, क्या खत्म इंडिया गठबंधन? व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन अब काफी बुरी स्थिति में है। जो कुछ है वो तकनीकी रूप से है, बाकी तो खत्म ही हो गया है इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश में समझौता होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता। अखिलेश ने 11 सीटें देने के लिए कहा था, कांग्रेस ने उन्हें 20 सीटों की सूची दे दी है। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश उस 20 सीटों के ऊपर मानेंगे। अलग से दोनों ही कोई वार्ता चल रही है, कोई 20 नहीं 18 मान जाओ, 17 मान जाओ, 15 मान जाओ, ये भी कोई, इसकी भी कोई खबर नहीं है। जयंत चौधरी इस गठबंधन के साथ थे, वो NDA में चले गए हैं। मायावती इन लोगों के साथ आने के लिए तैयार नहीं है, वो अलग चुनाव लड़ेंगी। तो व्यवहारिक रूप से यही हो गया है कि समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होगा।
कांग्रेस क्या कर रही है? यही बन गई है दिल्ली में केजरीवाल जी। उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं हुआ तो आपको क्या लग रहा है कि कोई सीट 5 सीट ला पाएगी सपा कांग्रेस बसपा सब ये सब गायब हो जाएंगे? पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को शायद 10 सीटें प्राप्त हुई थी या 9 सीटें प्राप्त हुई थी, 10 सीटें गठबंधन था, इस बार उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी 5 से 5 सीटें जीत लेगी, उससे जितनी ज्यादा जीतेगी मैं कहूंगा बोनस आया। चूंकि सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं लड़ रही हैं, वो राज्यसभा राजस्थान से जा रही हैं, तो रायबरेली से जो भी लड़ेगा वो हार जाएगा चुनाव सोनिया गांधी अगर नहीं लड़ेंगी तो कांग्रेस को शायद ही कोई सीट मिले। तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों ने सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए 71 से 75 के बीच में कुछ सीटें जीतने का रास्ता साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश में जो कुछ मुकाबला था वो भी खत्म हो गया। कर क्यों रही है कांग्रेस की गलती, क्यों कर रही है, बात क्यों नहीं कर रही, सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर रही कांग्रेस? अब मैं इसमें के बारे में क्या कहूं, लोग इसके ऊपर तो केवल एक बहुत तरह के चुटकुले प्रचलित हो चुके हैं। अब कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, हमें उम्मीद थी कि वो विपक्षी एकता करेगी। अब मैं कांग्रेस के खिलाफ चुटकुले नहीं सुनाना चाहता। ये बात तो बिल्कुल सही है कि माहौल ऐसा बन गया है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं मुतबाकर, एक यात्रा वो कर चुके हैं जो बहुत कामयाब थी, अब वो दूसरी यात्रा कर रहे हैं। क्या कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये यात्रा पहले की तरह कामयाब नहीं है? लोगों की दिलचस्पी नहीं है इस यात्रा में भाई, लोगों की दिलचस्पी अब चुनाव में है। अब कांग्रेस, अब राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो सरकार में आ गई तो वो MSP की कानूनी गारंटी दे देंगे किसानों को। तो जब डल्लेवाल से ही सवाल पूछा गया कि कांग्रेस तो कह रही है, तो डल्लेवाल ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी 2004 में बनी, 2006 में उसकी रिपोर्ट आ गई। इस पूरी अवधि में कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस 2014 तक सत्ता में रही, यानी 8 साल उसके बाद कांग्रेस और सत्ता में रही। कांग्रेस ने तो उस कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की। तब फिर भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि वो करेगी लागू, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। अब 10 साल हो चुके हैं भाजपा को सत्ता में, भाजपा ने भी उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तो स्थिति यह है कि कांग्रेस ने भी जो किया है सत्ता में रह के, वो कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा से उसने कोई बहुत अच्छे काम किए हों। मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस सत्ता में अगर आ गई तो मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलने बंद हो जाएंगे, मुसलमानों के घरों पर मुसलमानों को जो लिंच वगैरह किया जाता है गोरक्षा वगैरह के नाम पर, ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन बाकी कुछ क्या बदलेगा, अर्थव्यवस्था के मामले में क्या बदलेगा? अभी ईशान बख्शी ने, जो कि बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने तुलना की थी कि कांग्रेस की आर्थिक नीतियों और भाजपा की आर्थिक नीतियों में क्या अंतर है और क्या समानता है। तो उन्होंने पाया कि दोनों के बीच में तकरीबन समानता है, दोनों एक सी अर्थनीतियों पर काम करते हैं। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की, जो वर्ल्ड फाइनेंस कैपिटल की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के निर्देश पर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। इन दोनों के बीच में केवल 19-20 का फर्क है, कोई किसी तरीके से उस एक ही बात को लागू कर रहा है। मतलब तर्क यह है कि हम ये काम ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, कांग्रेस ये काम इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाई। और कांग्रेस भी सत्ता में आएगी तो वो भी अर्थव्यवस्था कहेगी हम भाजपा ज्यादा अच्छे तरीके से चला रहे। ये लड़ा लड़ाए डायलॉग होते हैं जो बोले जाते हैं। हाँ, इसमें कोई देखिए, इनमें हम तो मैं बहुत दिनों से इस बात को कह रहा हूं। और ये कांग्रेस ने विपक्ष की एकता करने के लिए जो काम जरूरी थे, जो कांग्रेस को पता थे कि उन्हें करना है, कांग्रेस ने नहीं किए। अब ये साबित हो गया है, इसके लिए अब कोई कयासबाजी की और आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। ये जमीनी तौर पर साबित हो गया है कि कांग्रेस को जो करना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं किया। इसका मतलब यह है कि मोदी की तीसरी बार वापसी का रास्ता कांग्रेस ने सुगम किया। ऐसा क्यों किया होगा कांग्रेस ने, क्यों किया होगा? मुझे लगता है कि लोगों में कहीं ना कहीं मोदी से टकराने के आत्मविश्वास का भी अभाव है भाई। शुरू में हम सब लोग कहते थे कि जहां कांग्रेस का आधार है, जहां कांग्रेस भाजपा के सामने सीधे टक्कर में है, कांग्रेस को वहां चाहिए कि वो वहां जोर मारे। और वहां पे जहां 2019 में बुरी तरह हार गई थी कांग्रेस, मोदी ने 95%, 90%, 100% स्ट्राइक रेट निकाला था, कांग्रेस वहां पे जोर मारे। हम लोगों ने ये कहा था जहां पे कांग्रेस कमजोर है
और जहां उसका कोई आधार नहीं है वहां कांग्रेस जिनके पास शक्ति जिन विपक्षी पार्टियों के पास ताकत है उन्हें लड़ने दे। लेकिन कांग्रेस बहसबाजी कहां कर रही है, कांग्रेस यूपी में बहसबाजी कर रही है जहां उसके पास न कार्यकर्ता है न उम्मीदवार है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बहसबाजी कर रही है जहां उसके पास कार्यकर्ता है न उम्मीदवार है। ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेसियों कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ ऐसा लोचा है। मारा मराठी में एक लोचा शब्द बड़ा अच्छा है, कुछ ऐसा लोचा है मराठी कांग्रेस के अंदर जो अभी तक उसका रहस्य समझ में नहीं आया है कि चक्कर क्या है भाई। जो काम आपको करना चाहिए और जो आपको पता भी है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, जो काम आप करने के लिए पूरी तरह सक्षम है, वो काम आप क्यों नहीं कर रहे? अबे जी, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस सपा और बसपा तीनों अलग अलग लड़ते हैं, आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, तो क्या लगता है आपको मुस्लिम वोट ज्यादा किसको मिलेंगे, बिखरेंगे या एक वोट जाएंगे? और अगर बिखरेंगे तो किसको ज्यादा मिलेंगे? समाजवादी पार्टी को मिलेंगे ज्यादातर वोट, ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी को मिलेंगे क्योंकि बीजेपी का मुकाबला सब जगह समाजवादी पार्टी ही करती हुई नजर आएगी। जो पार्टी बीजेपी का मुकाबला करती हुई नजर आएगी मुसलमानों के अधिकतम वोट उसको प्राप्त होंगे, कुछ वोट इधर उधर जा सकते हैं, बाकी वोट उसी को प्राप्त होंगे, लेकिन उतना काफी नहीं होगा। केवल यादवों और मुसलमानों के दम पे आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। एक माहौल भी शायद बन नहीं पाएगा अगर सब अलग अलग लड़ेंगे। बिल्कुल नहीं बन पाएगा माहौल। माहौल तो देखिए, जिस दिन से नीतीश कुमार ने छोड़ा है, पलटी मारी है, उसी दिन से एकता का जो सेंटीमेंट था, एकता का जो जज्बा था, वो नष्ट हो गया है। अब देखिए महाराष्ट्र में अशोक चौहान चले गए बीजेपी में, ये आप क्या समझते हैं कांग्रेस के लिए छोटा मोटा धक्का है? बहुत बड़ा धक्का है। वो मराठवाड़ा इलाके के बड़े नेता थे, आप कह सकते हैं मराठवाड़ा इलाके के खानदानी नेता थे। ये गलती कर रही है कांग्रेस अपने नेताओं को एकजुट नहीं हो पा रही, जाहिर है ये कि संगठन में आप गलती मानते होंगे, संगठन में वैचारिक स्तर पर। कहा भी था आपके साथ चर्चा में, मैंने कहा भी था कि नाना पटोले के साथ उनके बड़े मतभेद थे जो अध्यक्ष थे, तो वो उसकी शिकायतें भी करते रहे वो आला कमान से। आला कमान के पास फुर्सत नहीं है इस तरह की बातों को दुरुस्त करने की। पर आमतौर पर क्या होता है कि जब दो बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं किसी राज्य में, तो आला कमान का काम होता है उसमें पंच फैसला करता है, दोनों को बैठाता है आमने सामने और कहता है कि भाई जो कुछ एक दूसरे से कहना सुनना हो या कह सुन लो, बाहर जाओ मिलजुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, एकता का चेहरा दिखाओ। अमित शाह ने शुरू शुरू में भाजपा में जो बहुत सारे इस तरह के जो भाजपा की सूबेदार आपस में लड़ते थे, तो अमित शाह ने एक तरीका निकाला था, दोनों को एक कमरे में बैठाते थे जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे, वो कहते थे कि जो कुछ कहना हो यही कह लो और बाहर निकलकर एकता की कॉन्फ्रेंस करो, वरना दोनों को निकाल दूंगा पार्टी से। तो ज्यादातर समस्याएं हल कर देते थे। आजकल भाजपा में भी उतना भाजपा को भी मुश्किल हो रही है जो राज्यों के स्तर पर जो गुटबाजी होती है उसको दुरुस्त करने में, लेकिन पहले शुरू शुरू में तो अमित शाह जी करने में कामयाब रहे थे। हाँ, माहौल बना दिया था उन्होंने। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ये नहीं बना पा रही और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव बहुत कम समय बचा है, इसके बहुत खतरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने आज विस्तार से बातचीत करी, धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी, आप सुन रहे थे बात और आप समझने की कोशिश कर रहे थे, समझ गए होंगे कि राजनीति के खेल क्या है और समझ गए होंगे कि सरकारें ऐसा करती हैं तो क्यों करती हैं। मुझे यकीन है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।